एवरीवन, मैं अंजलि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई पाठशाला पर स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान। मैं आपको यहाँ पे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। ये जीव विज्ञान आपका एकेडमिक 9th से इंटर तक के अगर आप कक्षा में पढ़ते हैं तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीव विज्ञान विषय आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी क्या है ये हम पढ़ेंगे। ये क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीव जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि आप सभी को पता है बायोलॉजी वर्ड 2 वर्डों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ या जीवन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना यानी कि टू स्टडी। तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। इसी के साथ में इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों और विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। इन वैज्ञानिकों ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1801 ईस्वी में किया था। जीवन की कुछ मौलिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को जीवित मानते हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जीवित है या निर्जीव है, इसके लिए कुछ जीवों में मौलिक प्रक्रियाएं होती हैं। ये मौलिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि पोषण, यानी कि अगर आपने देखा होगा जितने भी जीवित चीज़ें होती हैं, जीवित जीव होते हैं, वो सभी अपना किसी भी विशेष पदार्थ से अपना पेट भरते हैं। इसके अलावा श्वसन यानी कि गैसों का एक्सचेंज होता है। संवेदनशीलता, हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें संवेदनशीलता में होती हैं। और इसके अलावा प्रजनन, यह जीवों में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि एक पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए यह जीवित जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके अलावा आता है आधुनिक जीवन के आधार क्या है। कुछ सिद्धांत हैं, कुछ आधार हैं, जैसे कोशिका सिद्धांत, क्रम विकास, इवोल्यूशन, आनुवंशिकता, समस्थापन, ऊर्जा और कोशिका। ये आधुनिक जीव विज्ञान के कुछ आधार हैं जिन पे बेस आपकी जीव विज्ञान होता है। इसके अलावा जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। ये प्रमुख शाखाएं आपको पता ही है, जंतु विज्ञान और यानी कि जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। ये प्रमुख शाखाएं जिनके अंतर्गत जीव विज्ञान को आगे वर्गीकृत कर दिया गया है और हम अलग अलग शाखाओं में इनका अध्ययन करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहली शाखा है एपिकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपिकल्चर कहते हैं, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं एपिकल्चर कहलाती है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसके अलावा पिसीकल्चर, मत्स्य पालन के अध्ययन को पिसीकल्चर कहा जाता है, यानी कि मछली पालन हो गया, मत्स्य पालन आपका आएगा। माइकोलॉजी, जो आपके कवक होते हैं उनके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी आता है। एक और चीज़ आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, सलीम अली को भारत में पक्षियों के जनक के नाम से जाना जाता है। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी,
जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एनाटॉमी जो है वो जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी कोशिका तथा इसके अंगों की संरचना, यानी कि आपके शरीर की, हमारे शरीर की जो कोशिका है और कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका अंग, यानी कि कोशिका अंगों की संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी पर्यावरण का पादपों और जंतुओं पर उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इकोलॉजी कहलाता है, यानी कि परिस्थिति कहलाता है। जो हमारे आसपास पौधे और जंतु पाए जाते हैं उनके ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी जो होती है वो इकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि पादप यानी कि पौधे और जंतुओं में भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो का विकास और उससे संबंधित अंगों और उनकी रचना और कार्यों का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसी के साथ में जेनेटिक्स, पौधों एवं जंतुओं की उत्पत्ति संबंधित अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है। साथ में ध्यान रखिएगा कि मेंडल को अगर इनका पूरा नाम देखें तो इनको ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पेलियोन्टोलॉजी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान। इसमें पादपों एवं जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण। इसके अंतर्गत विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की पहचान, उनका नामकरण करना और फिर उनकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें विचित्र उचित वर्ग में शामिल करना सम्मिलित है। यानी कि टैक्सोनॉमी जो वर्गीकरण विज्ञान है उसके अंतर्गत हम पौधे एवं जंतुओं के वर्गीकरण की स्टडी करते हैं, किस बेस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है, उनको कैसे हम पहचानेंगे, ये सब स्टडी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि अंतःस्रावी। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है जिससे कई सारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है, इसकी स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी की कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपका बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। हमारे पर्यावरण में, वातावरण में या हमारे आसपास पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनका अध्ययन हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वायरोलॉजी, यानी कि विषाणु विज्ञान। विषाणुओं का अध्ययन हम सूक्ष्म विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहते हैं। इसके साथ में माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। आपके जो विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी है ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, यानी कि सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान, इसमें हम क्या करते हैं, उद्यानों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हम कैसे किसी पौधे को लगाएंगे, ऐसे कैसे उसकी देखरेख करेंगे या उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और कैसे उनको आगे कल्चर किया जाता है, ये विज्ञान आपका हॉर्टिकल्चर विज्ञान या हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहलाता है। इसके साथ ही फ्लोरिकल्चर, नाम से ही फ्लोरी मतलब पुष्प या फूल, पुष्प विज्ञान, पुष्प वाले पौधों का अध्ययन किसमें आता है, फ्लोरिकल्चर में आता है। इसी के साथ में धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।